एवरी वन दिस इज शानी वेलकमिंग यू टू मैगनेट ब्रेस इन दिस वीडियो वी आर टी सोल्यूशन टू दोम ऑन एंड क्रिकेट अब ये पोम है कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि आपको पूरी पोम क्लियर हुई है या नहीं इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है इन द बुक दैट इज डिस्कस विद यर द डेफिनेशन ऑफ अ पोम यानी आपका जो क्लासमेट है जो इसके साथ आप शेयर करते हो अपनी बेंच उसकी बात हो रही है वो तो अभी है नहीं सो लेट्स जस्ट डिस्कस अमंगस कि आपके हिसाब से ये जो लाइन्स हैं उसका मतलब क्या है इस पर्टिकुलर पोम में तो चलो पहले डिस्कस करते हैं अ इज मेड ऑफ वर्ड्स अरेन्ज इन अ ऑर्डर तो कभी भी आप देखो तो जो पोअम होती है वह ऐसा नहीं है कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक यू नो हॉच पॉच होता है बिल्कुल ऊपर नीचे कुछ कुछ लाइन्स दे दी जाती हैं तो एक रिदम मेंटेन्ड नहीं होती बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आप एक प्रॉपर राइम स्कीम देखते हो जैसे इस पर्टिकुलर पोम में भी आप एक राइम स्कीम को देख पा रहे हो राइट जैसे सेकंड में एबीसी एबीसी राइम स्कीम देखी थी हमने तो इसी को कहते हैं कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखी हुई लाइंस को ही हम पोयम कहते हैं दीज वर्ड्स वेन रेड अलाउड विथ फीलिंग हैव म्यूजिक एंड मीनिंग ऑफ दर ओन और जब हम यू नो इन लाइंस को एक साथ पढ़ते हैं जैसे जब भी आप डिस्कस देखोगे कि जब भी मैं पोयम डिस्कस करती हूँ सबसे पहले मैं सारी स्टांजा की लाइन्स को पढ़ती हूँ ठीक है तो अगर एक राइम होती है तो अलग ही मजा आता है उसको पढ़ने में एक प्रॉपर म्यूजिक फील होता है हमको और हम कहीं ना कहीं वो मीनिंग समझने लगते हैं कि क्या पता क्या डिस्कस करना चाहिए? या फिर क्या कन्वे करना चाह रहा है जो भी पोइट है राइट तो इसी को कहा गया है पोम है यानी आपको ये देखना है कि प्रॉपर अरेंजमेंट जो होता है जो एक म्यूजिकलिटी होती है जो एक रिदम होती है क्या वही एक पोम है और उसी को आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर पोम को डिस्क्राइब करने के लिए क्लियर तो चलो क्वेश्चन समझ चुके हैं नाउ लेट्स डिस्कस दी आंसर So, a poem is an art where few lines are used to express the emotions and message of the poet like a song with rhythm. तो ये जो पोएम होती है वो एक आर्ट है राइट एक कला है ऐसी कोई भी पोएम नहीं लिख सकता बैठे बैठे कि बैठे बैठे बस दो मिनट में कुछ भी लिख दिया पोएम बन गई बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ता है आपको कुछ चीजें हैं जो लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड बतानी होती है कुछ अलग कंपेरिजन करना पड़ता है सिमिली डिफरेंट डिवाइस को यूज करते हुए कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेशन करनी पड़ती है वर्ड्स की राइट तो ये क्या है एक आर्ट है जहां पे फ्यू लाइन आर यूज टू एक्सप्रेस द इमोशंस एंड मैसेज ऑफ द पोएट लाइक अ सॉन्ग विद रिदम

मजा नहीं आता तो इसीलिए येस yes, एक पोअम इट्स एन आर्ट एंड डेफिनेटली इट काइंड ऑफ यूज डिफरेंट लाइन एंड वर्ड इन डिफरेंट ऑर्डर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर वी शुड से विच काइंड ऑफ गिवस यू द फीलिंग ऑफ द इमोशंस दैट वो गोइंग ऑन इन द पोइट्स माइंड एंड ऑल्सो हाउ इट कैन सिग्निफाई द सॉन्ग द म्यूजिकलिटी ऑफ द लाइन्स देर इज अ म्यूजिकल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन द पोअम और सिर्फ वर्ड्स होते हैं पोम में उनको लाइन के फॉर्म में या सेंटेंसेस के फॉर्म में चेंज किया जाता है और वो एक म्यूजिकल एलिमेंट को शोकेस करते हैं द वर्ड्स आर ब्यूटिफुली अरेंज्ड विच एनहांसेस द मीनिंग ऑफ द पोअम जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पोइट्रिक डिवाइस की इन द प्रीवियस वीडियो तो हमने क्या देखा कि इन्वर्जन का यूज किया गया है राइट क्यों किया गया होगा ताकि एक रिदम एक ब्यूटीफुल एलिमेंट को ऐड कर सके इन्हांस कर पाए उसकी ब्यूटी को राइट अगर वो वैसे ही लिखा होता जैसे नॉर्मली लिखना चाहिए तो मजा नहीं आता पढ़ने में कभी पढ़ के देखना आफ्टर वी आर डन विद दिस तो उसको नॉर्मल ऑर्डर में चेंज करना और रीड करके देखना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा आपको लगेगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है उसको वैसे ही पढ़ते से पोइट ने कहा है तो पोइट जो है वो वर्ड्स को बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं ताकि वो एक मीनिंग को कर पाए, उसको और अच्छे से उभार पाए। the minds of the the of readers, as it it. helps the readers to know and And understand the essence of it. And also ये जो म्यूजिकलिटी होती है जो होती है, वो अलग ही इफेक्ट छोड़ के जाती है रीडर के माइंड पे एंड समवेयर बी करना चाह रहे हैं क्लियर ऑलरे the second question here, the poetry of earth is not made of words. What is it made of as suggested in the poem? जो पोइट्री है उसमें वर्ड्स तो चाहिए चाहिए बट जो अर्थ की पोइट्री है जो नेचर की पोइट्री है वो वर्ड्स की नहीं बनी होती वो किसी और चीज की बनी होती है अब वो क्या है वही हमको इस पोम से रिलेटेड बताना है सो सो लेट्स सी आंसर वी नो कि हाँ पे बात की गई है ग्रास हॉपर क्रिकेट उनके साउंड की तो उसी तरीके से आपको यूज करके इस आंसर को लिखना है सो द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नॉट जस्ट मेड ऑफ वर्ड्स इट इज मेड ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द नेचर्स एलिमेंट्स किसकी बनी होती है जो नेचर के ही पार्ट है ये जो इंसेक्ट्स हैं जैसे बर्ड्स भी हो गई अभी अगर इंसेक्ट्स की बात ना करें तो नॉर्मली भी जो नेचर की पोइट्री है जो सॉन्ग सुनाई देता है वो हमको किसका सुनाई देता है इनके एलिमेंट्स का राइट right? तो वो क्या है वर्ड्स नहीं है वो है नेचर के पार्ट इट इज मेड अप ऑफ द चॉपिंग ऑफ ट्रीज ऑफ बर्ड्स इन ट्रीज ग्रास हॉपर साउंड एंड क्रिकेट साउंड यहाँ पे बात तीन की की गई है बर्ड्स का जो चॉपिंग साउंड होता है तो चहचहाने का साउंड होता है देन ग्रास हॉपर का जो साउंड है जो क्रिकेट का थ्रिलिंग साउंड है ये तीनों चीजें ही क्या बता रही हैं पोइट्री ऑफ और ये जो पोइट्री है earth की या नेचर की वो कभी भी end नहीं होती, कभी भी भी नहीं होती, रुकती नहीं है सीज नहीं होती है even with कोई harsh सा समर हो, हो, हो या विंटर हो क्लियर ऑल राइट

Ever. तो ये जो लाइन है कि उसकी वॉम्थ बढ़ती जाती है हमेशा यानी कि वो कभी भी सीज नहीं होती कभी भी कम नहीं होती है यही मीनिंग है इस लाइन का डन ऑल राइट नेक्स्ट इज विच वर्ड इन स्टांस आर टू इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट तो फ्रॉस्ट की बात की गई है बर्फ की बात की गई है यानी ठंड से रिलेटेड है और उसी का ऑपोजिट क्या है वर्ड है जो यूज किया गया अभी लाइन आपने जो क्रिकेट वाली उसी में वर्ड को यूज किया गया है जो गर्मी जो हीट um, जो सॉर्ट sort ऑफ of ऐसा कंफर्ट की बात करता है नो चिलीनेस और कोल्डनेस सो द वर्ड वॉम्थ इज ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट मीन कोल्ड और चिल एक्सपीरियंस बट वॉम्थ मीनस मॉडरेट हीट एंड कंफर्ट तो एक चिलिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा ठंड उसी को बोलते हैं फ्रॉस्ट बट यस वार्मड क्या है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बहुत ज्यादा uh, बोल सकते हैं एक मॉडरेट हीट यानी कि ज्यादा हीट नहीं कम हीट नहीं एक प्रॉपर जितनी हीट चाहिए होती है उसी को वार्मड कहते हैं ठीक है तो यही क्या हो गए दोनों ऑपोजिट वर्ड्स क्लियर ऑलराइट नेक्स्ट है द पोएट्री ऑफ ओथ कंटिन्यूज अराउंड द ईयर थ्रू अ साइकिल ऑफ टू सीजन समर एंड विंटर मैं ऑल आपको समरी ही देनी है सॉट ऑफ की दोनों सीजन में कौन कौन रेप्रेजेंटेटिव है किस किसकी साउंड है या किसकी पोइट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो हमें बताए समर सीजन में हम ग्रास हॉपर के साउंड की बात कर रहे हैं और विंटर सीजन में हम किसकी बात कर रहे हैं क्रिकेट के साउंड की सो द पोइट्री ऑफ वर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू समर एंड विंटर इन समर द रेप्रेजेंटेटिव वॉयस इज दट ऑफ द ग्रास Hoppers. During summer season, the grasshopper hops with happiness tirelessly, signifying the beautiful poetry of earth.

टे और वो इस वॉम्थ को बढ़ाते हैं एंड इट इस काइंड ऑफ मेस्पराइजिंग बहुत ही मेस्मराइजिंग इन द सेंस ऐसा नहीं है बहुत अच्छा गाते हैं बहुत ही गंदी आवाज़ होती है बट येस yes, वो काइंड ऑफ पोइट्री को मेनटेन रख रहे हैं दैट इज समथिंग जो वॉम्थ को इंक्रीज कर रहा है और उनकी आवाज़ ऐसी होती है कि नींद आ जाती है ड्राउजीनेस की भी बात की गई है तो सॉटअब कम्फर्टेबल फील करते हो तो दैट इज हाउ ये दोनों रेप्रजेंटेटिव की तरह काम करते हैं इन बोथ दीज कल राइट

द नेक्स्ट चैप्टर टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय